हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेक्शन 89 का रिलीफ कैसे क्लेम करना है आईटीआर में, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन जानेंगे कि कैसे कंप्यूट करना है सेक्शन 89 के रिलीफ का अमाउंट, जैसे कि हमने कंप्यूट किया हुआ है। उसके बाद आईटीआर में कैसे दिखाना है और उसके बाद फॉर्म नंबर 10 ही कैसे भरना है, बहुत जरूरी है। आप जब भी रिलीफ क्लेम करने जाते हो सेक्शन 89 का, फॉर्म नंबर 10 ही आपको कंपलसरी भरना होता है, अदरवाइज जो भी रिलीफ आप क्लेम करोगे वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो सारा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारे केस में जो इनकम हमें दिखाई दे रहा, मान के चलते हैं कि सैलरी इनकम है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन समझ में आता होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्शन 89 का रिलीफ हम क्लेम ही क्यों करते हैं। मान लीजिए कि आपका पिछले कुछ सालों का जो सैलरी था या अलावेंस था वो पेंडिंग था और करंट ईयर में मिल गया है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में देखिए, करंट ईयर का हमारा जो सैलरी था वो 6 लाख था और पिछले 2 सालों का हमारा सैलरी या अलावेंस पेंडिंग था। ये डेमो है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 साल ही लिया हुआ है। हो सकता है आपके केस में 5 साल का एरियर हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। जो तरीका दिखाएंगे उसी तरीके से आपको भी कंप्यूट करना है। तो पिछले 2 सालों का जो हमारा सैलरी या अलावेंस जो भी पेंडिंग था, एरियर था, वो इस साल में हमें मिल गया है। अब इस साल में मिल गया तो इसका हमें नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे होता है? करंट ईयर का सैलरी था प्लस एरियर मिल गया पिछले सालों का, तो टोटल इनकम हमारा हो जाता है 9 लाख। अब इनकम जब बढ़ जाता है तो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी होता है, देखिए टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए, करंट सैलरी में जब हमने पुराना वाला सैलरी इंक्लूड किया तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़कर 65,000 हो गया है। लेकिन अगर ये जो एरियर सैलरी हमें मिला हुआ है, ये अगर नहीं मिलता तो नॉर्मल इस साल का जो करंट हमारा इनकम था उसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पर हमें 65,000 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि हमें एक साथ एरियर मिल गया है इस साल में। अब ये जो टैक्स लायबिलिटी बन जाता है इस तरीके से, तो वो फेयर नहीं है, सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस किया और सेक्शन 89 का रिलीफ हमें दिया। अब सेक्शन 89 का रिलीफ हमें मिलता कैसे, जल्दी से वो भी हम जान लेते हैं। ये जो एरियर हमें मिल जाता है 3 लाख का, मान लीजिए हमारे केस में है, तो पहले तो हमें पता लगा लेना है कि हमें जो एरियर सैलरी मिला हुआ है ये कौन से ईयर का है, जैसे कि हमारे केस में पिछले 2 सालों का है, ठीक है। फिर उस साल में आपको जाना है और ये जो एरियर सैलरी आपको मिला हुआ है उसको आप उस साल में कंप्यूट करिएगा। समझ में नहीं आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं भी आपको एग्जांपल के जरिए समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, हमारे केस में 2 साल है। पहला है प्रीवियस ईयर 2019-20, जिसको असेसमेंट ईयर 2020-21 भी कहा जाता है। अब हमें जो एरियर्स मिला हुआ है उसमें से 1,20,000 इस साल से रिलेटेड है। अब मान लेते हैं कि आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 में भी अपना आईटीआर फाइल किया होगा, तो आपको जाना है असेसमेंट ईयर 2020-21 में फिर से, ठीक है। अब आईटीआर फाइल करते समय जो हमने पुराना कैलकुलेशन किया हुआ था, यहाँ पर हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, यहाँ पर टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है। अब इस साल से रिलेटेड जो पेंडिंग सैलरी था वो हमें मिल गया है, तो इस इनकम को हमें रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब फिर से कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपका जो पहले इनकम था उसमें अब जो एरियर सैलरी हमें मिला हुआ है इस साल से रिलेटेड, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, हमारा इनकम ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। काफी लोग पूछते हैं कि क्या डिडक्शन वगैरह हम फिर से क्लेम कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स जो भी डिडक्शन सैलरी से रिलेटेड है, जो भी एग्जेम्पशन सैलरी से रिलेटेड है, या दूसरा इनकम आप दिखा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो डिडक्शन या एग्जेम्पशन है उनको आप क्लेम कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में, मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 में हमारा ओल्ड कैलकुलेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा है। लेकिन जब एरियर सैलरी आया है, जो कि हमने 1,20,000 यहाँ पर दिखाया हुआ है, ध्यान देना टोटल 3 लाख का एरियर हमें मिला हुआ था, लेकिन इस साल से रिलेटेड सिर्फ 1,20,000 ही है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो टोटल इनकम यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके बाद डिडक्शन हम क्लेम करेंगे 1,50,000 का चैप्टर 6A का, उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ जाता है और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमें बन रहा है 17,160 रुपया। अब ये टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2020-21 में होना चाहिए था, अगर एरियर सैलरी उस समय हमें मिल जाता तो, ठीक है, उस समय नहीं मिला इसलिए हमें यहाँ पर रिकम्प्यूट करना पड़ रहा है। तो 17,160 रुपए हमारा टैक्स लायबिलिटी है जो कि हमें देना पड़ेगा। अब हमें जो एरर्स मिला हुआ था 2 साल का था, पहले साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरा साल जो कि प्रीवियस ईयर 2020-21 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, इससे रिलेटेड भी हमें एरर्स मिला हुआ 1,80,000। मान लेते हैं कि आईटीआर हमने फाइल किया हुआ था, ओल्ड कैलकुलेशन हमने नोट डाउन किया हुआ है, अब ओल्ड कंप्यूटेशन हमने किया हुआ था तो 5,80,000 आया था सैलरी में, ठीक है, डिडक्शन वगैरह एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद। उसके बाद चैप्टर 6 का डिडक्शन हमने क्लेम किया 75,000, तो ओल्ड
टैक्सेबल इनकम 5,05,000 बन गया था, जिसके ऊपर 14,040 रुपीज का टैक्स लगा। लेकिन अब एरियर सैलरी भी मिल गया है इस साल से रिलेटेड, जो पुराना इनकम है उसमें इस एरियर सैलरी को जोड़ देंगे ताकि इनकम और टैक्स रिकम्प्यूट किया जा सके। अब पुराने इनकम में जब एरियर सैलरी हम ऐड करेंगे तो टोटल इनकम यहाँ पर नया आ जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटेशन हमने शॉर्टकट मारा हुआ है, लेकिन काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। बट इनकेस अगर आपको नहीं आया हुआ है तो मैं फॉर्म नंबर 16 के जरिए आपको समझा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। नॉर्मली क्या हुआ था, देखिए ये है हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 का कंप्यूटेशन, ये हमने ITR भरा था तो इनकम इतना था। उसके बाद हमारा जो एग्जेम्पशन था HR का, चाइल्ड अलाउंस का, ये हमने क्लेम किया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर प्रोफेशनल टैक्स का हमने क्लेम किया, तो हमारा इनकम बच जाता है 5,80,000। ठीक है, इस 5,80,000 में से 75,000 का डिडक्शन हमने क्लेम किया चैप्टर 6 का और टैक्सेबल इनकम हो गया 5,05,000। ठीक है, ये कंप्यूटेशन आपको समझ में आ गया। ये पुराना कंप्यूटेशन था जो कि हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। ये देखिए 5,05,000 ठीक है बचा और इसके ऊपर टैक्स लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि एरियर सैलरी हमें मिल गया है करंट ईयर में, और टोटल एरियर सैलरी में से 1,80,000 इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और इसीलिए इस प्रीवियस ईयर का इनकम हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिकम्प्यूट करने के लिए आपका जो पुराना सैलरी का अमाउंट था इसमें आप एरियर का अमाउंट जोड़ दीजिएगा। अब 2021 में जो हमने इनकम दिखाया था ITR में और प्लस इस साल जो एरियर मिला हुआ है 2021-22 से रिलेटेड उसको जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आ जाता है 836,900। तो यहाँ पर देखिए 836,900 आ गया। उसके बाद जो HRA, फिर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का हमें बेनिफिट मिला, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिला, प्रोफेशनल टैक्स का मिला, यहाँ पर 7,60,000 इनकम हमें बचा है जिसमें से 75,000 डिडक्शन हमने माइनस कर दिया तो अमाउंट 685 बचा है, जो कि हमने यहाँ पर शॉर्टकट में इंटर किया हुआ है 685। ठीक है, फिर इस 685 पर टैक्स हमने कैलकुलेट किया तो इतना टैक्स बन गया है 51,480। ये आपको खुद कंप्यूट करना है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूट करने का कोई जरिया नहीं है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं आपको आगे चलकर वो भी दिखा दूंगा कि कैसे कैलकुलेटर आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए हमारा नया टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया है 51,480। तो इतना टैक्स हमें देना था लेकिन हमने दिया कितना हुआ है सिर्फ 14,000, क्योंकि उस समय कुछ पेंडिंग सैलरी हमें मिला नहीं था जो कि आज जाकर मिला है करंट ईयर में। ठीक है, और इसीलिए हमें इनकम और टैक्स फिर से कैलकुलेट करना पड़ा जहां पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया है। तो 51,000 हमें पे करना था लेकिन हमने पे किया 14,000 ही, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 37,440 का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2020-21 मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 में डिफरेंस आ रहा है टैक्स का 37,450, और प्रीवियस ईयर 2019-20 मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 में डिफरेंस आ रहा है 17,160 का। तो 17,160 और 37,450 हमें पे करना है। ठीक है, दोनों साल का जो भी डिफरेंस है उसका टोटल हम यहां पर निकाल लेंगे 54,600 आ रहा है। तो ये टैक्स लायबिलिटी है पुराने सालों का, हमें इस साल पे करना है। ठीक है, क्योंकि उस समय एरियर सैलरी नहीं मिला हुआ था जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी कम आया था, लेकिन अब जब मिल गया है तो हमने रिकम्प्यूट किया तो टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ गया है। अब एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कितना होना चाहिए था एरियर सैलरी का 54,600, लेकिन इस साल जो एरियर सैलरी मिला हुआ है उसकी वजह से करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी 65,000 बढ़ गया है। तो जो करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी होगा उसमें से जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बच जाता है वही अमाउंट हम रिलीफ में क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 65,000 का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, 10,000 का जब रिलीफ मिल जाएगा तो 54,600 हमें पेमेंट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल ये चीज है। तो सेक्शन 89 का रिलीफ कैसे आएगा वो हमने कंप्यूट कर लिया हुआ है। आपको फॉर्म नंबर 10 ही भी भरना होता है तो उसके लिए डिटेल आप यहां पर इस तरीके से बना लो जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिए और अमाउंट आप मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यही सारा डिटेल आपको फॉर्म नंबर 10 में भरना पड़ता है। आपको करंट ईयर का इनकम सबसे पहले मेंशन करना है विदाउट एरर। ठीक है, तो करंट ईयर का जो इनकम था हमारे केस में वो आ जाता है 4,50,000। ये वाला अमाउंट जो कि चैप्टर 6 के डिडक्शन के बाद आता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो अमाउंट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जिन सालों का एरर आपको मिला हुआ है उनका अमाउंट भी आपको दिखाना है। हमारे केस में जैसे प्रीवियस ईयर 2019-20 है
तो प्रीवियस ईयर 2019-20 का भी टोटल इनकम हमें दिखाना है विदाउट इंक्लूडिंग एरेज, ठीक है। तो हमारे केस में 19-20 में 4 लाख था, मतलब जो ITR हमने फाइल किया था तो 4 लाख उसमें हमारा इनकम बन रहा था टैक्सेबल। ये अमाउंट भी आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन के बाद वाला ही लेना है, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा उससे रिलेटेड जितना एरेज सैलरी आपको मिला होगा आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर में आपका ओल्ड टैक्स लायबिलिटी कितना था वो आपको मेंशन करना। हमारे केस में ओल्ड टैक्स लायबिलिटी 0 था और नया वाला 17,000 था, तो ओल्ड वाला आपको मेंशन कर देना है, नोट डाउन कर लेना है। अब इसी तरीके से अगर दूसरा प्रीवियस ईयर भी है तो टोटल इनकम मेंशन करेंगे जिसमें एरेज सैलरी इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद उस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एरेज सैलरी हम मेंशन करेंगे, और आखिरी में उस साल का जो ओल्ड टैक्स लायबिलिटी है एरेज सैलरी ऐड करने से पहले वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और अंत में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का अमाउंट भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्म नंबर 10 भरने के लिए जो डिटेल चाहिए सब कुछ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पर। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे एक्सेस करना वो बता देता हूँ, और उसके बाद ITR में आपको सेक्शन 89 का रिलीफ कहां पर दिखाना है, और उसके बाद फॉर्म नंबर 10 कैसे भरना है वो दिखा देता हूं। वेब ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर टाइप करना है incometaxindia.gov.in। ध्यान देना ये भी गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, ई फाइलिंग वेबसाइट ये नहीं है, ठीक है, दूसरा वेबसाइट है ये वाला, ई फाइलिंग वाला ये है, ठीक है। ये है एजुकेशनल वेबसाइट, यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स का एक डब्बा है, और यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही यहाँ पर टैक्स टूल का यहाँ पर सेक्शन आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया है इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर क्लिक कर दोगे तो अब ये ओपन हो जाएगा आपका टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है। ये वाला जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है ये काफी पुराने सालों का भी आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, सैलरी वाला जो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करोगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, सब कुछ निकाल के जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आपको फॉर्म नंबर 16 जब मिलता है तो यहाँ पर सैलरी होता है ग्रॉस, उसके बाद आप यहाँ पर अलाउंस एग्जेम्प्ट जो है वो क्लेम करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हो, प्रोफेशनल टैक्स का क्लेम करते हो, फिर अमाउंट आखिर में ये आ जाता है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये टैक्सेबल अमाउंट आपको दिखाना है कैलकुलेटर में, ठीक है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा अमाउंट दिखाओ, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी कोई इनकम है तो यहाँ पर उसके सामने शो डिटेल्स का बटन है, आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे डिडक्शन का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सब जब भर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनकम और टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसकी मदद से आप अपना सेक्शन 89 का रिलीफ का अमाउंट निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप देखिए 89 का रिलीफ जब आप निकाल लोगे, टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, तो कहाँ पर दिखाना है ITR में जल्दी से वो जान लेते हैं। अब आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर आना है incometax.gov.in। दोनों वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, ये incometax.gov.in है और ये है incometaxindia.gov.in, ठीक है। तो ई फाइलिंग पोर्टल पर जब आ जाओगे लॉगिन कर लेना है सबसे पहले आपको पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके। तो जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहां से आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा ITR फॉर्म आपको चूज करना है, ठीक है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ठीक है। जो भी ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है आप चूज कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे केस में ITR 1 है तो जल्दी से हम ITR 1 एक्सेस कर लेते हैं। ध्यान देना है पूरा ITR इस वीडियो में नहीं भरेंगे, सिर्फ सेक्शन 89 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ही डिस्कस करेंगे। पूरा ITR भरने का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 सब कुछ बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ITR का समरी इस तरीके से ओपन हो जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको जाना है, सबसे पहले आपको सैलरी दिखाना है और यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। यहां एडिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सैलरी का डिटेल इंटर करना है। सैलरी के डिटेल में ध्यान देना है आपको एरिर जोड़ के अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि हमारा करंट ईयर का सैलरी सिर्फ 6 लाख था लेकिन एरिर भी मिला हुआ है 3 लाख, तो टोटल हम 9 लाख इंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एरिर जोड़ के आपको अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। तो ये एक बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी सारे डिटेल है सैलरी से रिलेटेड या दूसरे इनकम से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, आप भर दीजिएगा, ठीक है। अब सारा डिटेल जब आप इंटर कर देते हो, इनकम का, डिडक्शन का और टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो वो भी आप इंटर कर देते हो, तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ जाता है जो कि 65,000 है। हमने जो कैलकुलेशन किया हुआ था उसके हिसाब से ही यहाँ पर आया, हमें भी 65,000 आया था। अब रिलीफ कैसे क्लेम करना है 10,400 का, आपको जाना है टोटल टैक्स लायबिलिटी में। ये ITR 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का पेज आ जाएगा, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले पेज पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरे ITR फॉर्म में भी, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन कर देना है,
कौन सा अमाउंट मेंशन करना है जो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब इंटर हमने कर दिया, अभी हमें वार्निंग दे रहा है कि फॉर्म नंबर 10 भी आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ITR में आप भर दीजिएगा और उसके बाद आप फॉर्म नंबर 10 भी भर दो और उसके बाद आप ITR फाइल कर दो, ठीक है। इस तरीके से कर देना। उसके बाद अब नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा है वो बन रहा है 54,600, ठीक है। तो हमारे केस में भी जो टैक्स लायबिलिटी बन रहा था वो भी 54,600 ही बन रहा था, देखिए। तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से आया। उसके बाद कंफर्म करके आप ITR फाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम कर सकते हो ITR में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म नंबर 10 किस तरीके से भरना है। डैशबोर्ड पर जब आप आ जाते हो, ऊपर मेन्यू में ई फाइल है, फिर इनकम टैक्स फॉर्म्स, और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इनकम टैक्स फॉर्म्स का पेज आ जाएगा। बहुत सारे फॉर्म्स यहां पर दिखाई दे जाएंगे। आपको जाना है पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ फॉर्म नंबर 10 आपको दिखाई देगा। फाइल नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर पैन नंबर दिया गया है, सबमिशन मोड दिया गया है, फाइलिंग टाइप और असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर आपको करंट वाला ही सेलेक्ट करना है और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन से टाइप का एरर आपको मिला है, या एडवांस मिला है, ग्रेचुटी मिला। हमारे केस में मान के चलते हैं एरर सैलरी है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर है, उसके बाद एरेज सैलरी है, उसके बाद वेरिफिकेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करिए सबसे पहले। यहाँ पर आपको कुछ भी इंटर नहीं करना, सिर्फ चेक कर लेना है और उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अगर कुछ भी रॉन्ग है तो इसको आप सही कर सकते हो माई प्रोफाइल में जाके, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ सही है तो सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। आप नीचे आएंगे, एरेज सैलरी एनेक्सर 1, यहाँ प्रोवाइड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल भरने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल हमने बनाकर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले ही आपको बनाकर रख लेना है, ठीक है। तो फटाफट ये सारा डिटेल हम फॉर्म नंबर 10 में भरना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है, हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है करंट ईयर का, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर्स, ठीक है, मतलब जो पेंडिंग था वो वाला इंक्लूड नहीं करना, करंट ईयर का इनकम आपको बताना है। तो हमारे केस में हमने बनाया हुआ है, करंट ईयर का इनकम है 4,50,000। उसके बाद नीचे आएंगे, सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप अमाउंट इंटर नहीं कर पा रहे हो, चिंता की कोई बात नहीं, नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको नीचे ही जाना है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल भर दोगे तो सेकंड नंबर का रो है वो फील हो जाएगा, तब नीचे कैलकुलेशन सही होगा। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर टेबल ए है, यहाँ पर ऐड डिटेल है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऐड डिटेल में देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप सेलेक्ट करिए, किस प्रीवियस ईयर का आप दिखाना चाहते हो। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में आप फर्क समझ लीजिएगा, हमने इसीलिए दोनों भी यहां पर आपको दिखाया था। ये देखिए प्रीवियस ईयर 2019-20 जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 होता है, ठीक है, उसी तरीके से प्रीवियस ईयर 2020-21 है जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर प्रीवियस ईयर मेंशन कर लेना है। हमारे केस में 2019-20 है और 20-21 है, तो सबसे पहले 2019-20 का हम अमाउंट इंटर करेंगे। 19-20 हमने सेलेक्ट कर लिया, टोटल इनकम ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट आ गया है। तो ये अमाउंट जो है हमारे ITR से, पिछले साल जो ITR हमने फाइल किया था वहां से आया है, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमने फॉर्म नंबर 10 के लिए जो बॉक्स बनाया हुआ है, 4,00,000 यहाँ पर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2019-20 में टोटल इनकम हमें इंटर करना है विदाउट इंक्लूडिंग एरर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एरर का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, ये 4,00,000 हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो एरर मिला हुआ है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो एरर प्रीवियस ईयर 2019-20 से रिलेटेड कितना है, 1,20,000, तो ये अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। नीचे देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है, तो पुराना टैक्स लायबिलिटी क्या था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको इसीलिए बोला कि आप बना कर रख लीजिएगा, पुराना टैक्स लायबिलिटी 0 था, तो यहाँ पर हमें 0 ही मेंशन कर देना है। उसके बाद नया टैक्स लायबिलिटी जो है वो 17,160 रुपए ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर भी एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है, जो हमने शीट बनाया था उसमें भी देखिए 17,160 रुपए टैक्स लायबिलिटी बनता था जब हमने एरर वाला सैलरी इंक्लूड किया तब, ठीक है, तो बिल्कुल सही हमारा कैलकुलेशन आया है। अब ये जो अमाउंट है अगर सही है तो यहाँ पर आप यही सेम अमाउंट इंटर कर दीजिएगा इस तरीके से, और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर 2019-20 का डिटेल ऐड हो गया है। एक और प्रीवियस ईयर है 2020-21 हमारे केस में, ठीक है,
उसका डिटेल भी हमें इंटर करना है। 2 साल है हमारे केस में, ठीक है, आपके केस में हो सकता है कि ज्यादा हो, तो इसी तरीके से आपको कंप्यूट करके इंटर करना है। अब नया प्रीवियस ईयर हमें यहाँ पर दिखाना है, तो टेबल ए में ही एड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से अब प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करने का हमें पेज दिखाई दे जाता है। प्रीवियस ईयर 2020-21 सेलेक्ट करेंगे। अब काफी लोग बोलते हैं कि असेसमेंट ईयर जो करंट चल रहा है उसका यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि फॉर्म नंबर 10 ही हम भरते ही इसलिए है क्योंकि हमें पुराना सैलरी या पुराना अलावेंस मिला हुआ है। तो जो सैलरी अलावेंस मिलता है वो पुराने सालों से रिलेटेड होता है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, और करंट ईयर का इनकम एरर नहीं होता है, मतलब इसी साल हमें मिलना था और मिल भी गया है, पेंडिंग नहीं है, और मिलने के बाद उसको हमने करंट ईयर के ITR में दिखा भी दिया है। तो प्रीवियस ईयर 2020-21 हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इनकम हम दिखाएंगे 2020-21 का, जो पेंडिंग अमाउंट मिला हुआ था इस साल से रिलेटेड उसको इंक्लूड नहीं करना। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनकम आ गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर 2020-21 में हमने ITR फाइल किया हुआ था, लेकिन अमाउंट जो आया है वो रॉन्ग है, ठीक है, तो सही अमाउंट हम इंटर कर देंगे। सही अमाउंट क्या है, फॉर्म नंबर 10 में हमने मेंशन किया हुआ है, 5,05,000 है, तो जल्दी से यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ध्यान देना इसमें जो एरियर सैलरी है इंक्लूड नहीं है, ठीक है, अमाउंट मेंशन करने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर एरियर सैलरी जो है वो हम मेंशन करेंगे इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो 1,80,000 रुपया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020-21 से रिलेटेड एरियर सैलरी, तो अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। अब प्रीवियस ईयर 2020-21 में हमने कितना टैक्स भरा था पहले वो हमें मेंशन करना है, ओल्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, तो 14,040 रुपया हमने भरा हुआ था, तो इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे। नया अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया 51,480 और यही अमाउंट हमारे कैलकुलेशन में भी है, ठीक है, यहाँ चार्ट में हमने नया टैक्स लायबिलिटी इसीलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इसको एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, जब प्रीवियस ईयर 2020-21 में जाएंगे तो नया टैक्स लायबिलिटी देखिए 51,480 है जो कि मैच हो रहा है 51,480, यही अमाउंट आप इस बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा, अगर सही होगा तो ही इंटर करना है, ठीक है, ये देखिए हमने मेंशन कर दिया। अब डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब ऐड का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोनों साल का यहाँ पर डिटेल ऐड हो गया है, ठीक है, अब ऊपर जाना है सीधे पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर एरियर सैलरी आ गया है टोटल, उसके बाद जो टोटल इनकम आया हुआ है एरियर सैलरी और करंट ईयर का सैलरी मिलाने के बाद वो हमें दिखाई दे रहा है, कितना टैक्स बन रहा है करंट ईयर में वो हमें दिखाई दे रहा है, कितना टैक्स बन रहा है करंट ईयर का देखिए यहाँ पर ये सिस्टम ने कैलकुलेट किया हुआ है। आप यहाँ पर अलग अमाउंट भी इंटर कर सकते हो लेकिन हमारा सेम है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 5 में, यहाँ पर आपको टैक्स का अमाउंट दिखाई दे जाएगा, जो करंट ईयर का आपका सैलरी होगा उस पर कितना टैक्स लगेगा, देखिए एज पर आइटम वन में करंट ईयर का सैलरी है, इसमें देखिए एरियर सैलरी इंक्लूड नहीं है, तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगा होगा आपको यहां पर दिखाई देगा आइटम नंबर 5 में, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे लेकिन सिस्टम जो कैलकुलेट किया हुआ उससे अलग अगर आपका कैलकुलेशन आ रहा है तो आप यहां पर मैनुअल भी इंटर कर सकते हो, ठीक है, और अगर सेम आ रहा है तो आप चाहो तो यहां पर सेम अमाउंट इंटर कर सकते हो। अब टैक्स लायबिलिटी 65,000 आ रहा है करंट ईयर का सैलरी प्लस जो एरियर सैलरी मिला है, दोनों को मिलाने के बाद नीचे आएंगे तो जो पुराने सालों का हमारा टैक्स का अमाउंट पेंडिंग है जो हमने अभी कैलकुलेट किया प्रीवियस ईयर 2019-20 और 20-21 का, जब हमने एरियर अमाउंट इंटर किया तो हमें 54,000 और भरने को आ रहा है 54,600, ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो हमारा जो इस साल का टैक्स लायबिलिटी है 65,000 और टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए था 54,600, तो ये रिलीफ हमें मिल जाता है 10,400 का। इसको आप ITR में दिखा दोगे तो टैक्स लायबिलिटी आपका 54,600 हो जाएगा, जैसे कि मैंने ITR वाले डेमो में अभी दिखाया कुछ देर पहले, ठीक है। अब डिटेल भरने के बाद आपको सेव का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। अब एरियर सैलरी का भी यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे वेरिफिकेशन प्रोवाइड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे और यहाँ सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ये भी अब कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे जाता है। स्क्रोल करके नीचे जाना है और सारा डिटेल जो आपने भरा हुआ है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आखिरी में जब आएंगे तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यस पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर ITR की तरह आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन है आधार OTP के जरिए ई वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज दिखाई दे जाएगा, आई एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से OTP का पेज आता है, OTP आपको इंटर कर देना है जो कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा, और उसके बाद वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही हो सकता है आपसे कंफर्मेशन मांगा जाए फिर से, तो आप सबमिट का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिएगा, या तो हो सकता है कि सबमिट हो जाए डायरेक्टली, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपको कंप्यूट करना है सेक्शन 89 का रिलीफ का अमाउंट, उसके बाद किस तरीके से आपको ITR में अमाउंट दिखाना है और क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको फॉर्म नंबर 10 ही भरना है, उसका डेमो भी हमने देख लिया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत सारे सवालों को हमने बीच बीच में एड्रेस भी किया हुआ है। कोई भी सवाल बच जाता है जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।